और अब खबर आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई आपको दे दें। जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल गई है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताते हैं। तो जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई अहम खबर आपको दे दें। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर सुनवाई चल गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब कल मामले की सुनवाई होगी। यूपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है याचिका और आजम खान की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा है। कपिल सिब्बल ने आजम पर दर्ज 3 नए FIR का मामला रखा और 87 केस थे, मुश्किल से जमानत मिली और अब नए केस बना दिए गए। उधर यूनिवर्सिटी में मशीन मिलने से लेकर कई बातें कही जा रही हैं और केस की वजह से यूनिवर्सिटी में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है।